नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मान वर्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे ट्रांसफर आवेदन किस प्रकार से करें और क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि हमारा आपका जो ट्रांसफर आवेदन है वह स्वीकृत हो जाए और आपका ट्रांसफर भी मिल जाए। तो कैसे स्कूलों का चयन करना होगा और क्या क्या सावधानियाँ बरतना होगी और फॉर्मेट देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि यह स्वैच्छिक स्थानांतरण का फॉर्मेट है जिसमें कर्मचारी का नाम दिया है, आपको यूनिक आईडी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर यूनिक आईडी फिल कर सकते हैं, वर्तमान मूल पद वह विषय भी लिख सकते हैं। विषय में यहाँ पर जैसे प्राथमिक शिक्षक तो उनका मूल पद रहेगा, साथ में वैकेंसी कोड आप लिख सकते हो। वैकेंसी कोड आप ऑनलाइन देख सकते हो कि ऑनलाइन जो दिख रही है कहाँ पर किस स्कूल में वैकेंसी है और उसका कोड आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो वैकेंसी का कोड और साथ में संकुल का नाम यहाँ पर लिखना है आपको, और गंभीर बीमारी कोरोना से पीड़ित हैं तो बीमारी का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। साथ में मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न आपको करना होगा। यदि इसके क्राइटेरिया में नहीं आते तो इसको आपको छोड़ देना होगा। दिव्यांगता की स्थिति में हैं अथवा नहीं यहाँ पर आपको दर्शाना होगा, और हैं तो यहाँ पर प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, नहीं तो आप नो लिख सकते हो। क्या पति पत्नी सेवा में है तो यहाँ पर प्रायोरिटी लेना चाह रहे हैं तो उसे हाँ करके आप पति पत्नी का अपना, जैसे पति है तो पत्नी का यहाँ पर नाम लिखे और पत्नी है तो पति का नाम लिख सकते हैं। शासकीय सेवक क्या है, पदस्थापना स्थल क्या, संबंधित के विरुद्ध कोई प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, यदि हाँ तो यहाँ पर विवरण देना होगा। स्थानांतरण चाहने का कारण क्या है, यहाँ पर साथियों परफेक्ट रीजन आपको देना होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, जैसे कि आपका विद्यालय पहुँचने का मार्ग सुलभ नहीं है जैसे महिलाओं के लिए या इस प्रकार से, या फिर अन्य जो आप जहाँ पर जाना चाह रहे हैं आपके वृद्ध माता पिता हैं वो जो बीमार हैं या जो भी कारण है तो वह उस रीजन से ट्रांसफ़र लेना चाह रहा है, या आपके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है या जो दूरी पर है तो वो अपना रीजन यहाँ पर दे सकते हैं और उचित कारण के द्वारा आपको यहाँ पर यह कॉलम विशिष्ट रहेगा। तो आप अपने बच्चों का, पति पत्नी है तो आपस में भी जो भी परेशानियाँ हैं उसका रीज़न यहाँ पर दे सकते हैं। और साथियों यहाँ पर अगला जो कॉलम दिया गया, वर्तमान पदस्थ संस्था में छात्र छात्राएं कितनी हैं 2022-23 में समग्र पोर्टल पर जो दर्ज थे, तो आप अपने जो मासिक पत्रक में जो जानकारी भिजवाई जाती है उससे आप देख सकते हो, या अपने स्कूल का यह सटीक जानकारी इसके बारे में यहां पर भरिए। वर्तमान पदस्थ संस्था में पदस्थ शिक्षकों की कुल संख्या क्या है, ये स्थानांतरण हेतु चाहे गए रिक्त स्थानों की जानकारी निम्न तालिका में अंकित करें, तो वो तालिका को आपको थोड़ा सा ध्यान से भरना होगा। तो साथियों स्थानांतरण हेतु तीन स्कूल वर्षता के क्रम में आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे स्थानांतरण हेतु चाहिए गई संस्था एवं कार्यालय का नाम, जैसे वैकेंसी कोड वो यहाँ पर लिखना होगा। तो साथियों हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, तो लिंक के द्वारा आप स्कूल देख सकते हो और अपना यहाँ पर वैकेंसी कोड भी आपको भरना होगा। संकुल का नाम, विकासखंड का नाम, ये इस प्रकार से यहाँ पर जिससे उसके अंतर्गत आगामी जहाँ पर जाना चाह रहा है उसके संकुल का नाम आपको पता होना चाहिए, विकासखंड। तो ये तीनों आप यहाँ पर भर करके हस्ताक्षर करके पद लिख करके पदस्थ संस्था, मोबाइल नंबर और संकुल प्राचार का अभिमत यहाँ पर आवश्यक होगा। तो संकुल प्राचार की यहाँ पर टीप लगेगी और उनके पद मुद्रा और डेट लगेगी। यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण रहेगा, इस टीप पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार द्वारा दी गई परीक्षण का स्पष्ट व सहमत असहमति पर टिप्पणी लगाएंगे। तो साथियों यहाँ पर दोनों की सहमति यहाँ पर बाकायदा लिखी होना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है आगे जाएगा। तो ये था, एक सरल सा फॉर्म है और आप इसे भर सकते हो। साथ में यहाँ पर स्कूल आपको जो भरना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप ऐसा स्कूल ज़रूर भरिए कि जहाँ पर आपको एक स्कूल ज़रूर मिल जाए। सपोज दैट यदि आप कोई शहरी स्कूल भरते हैं और वहाँ पर आपसे भी जो वरिष्ठ हैं तो वो भी उन्हें भी अलॉट हो सकता है तो आपका चांस नहीं आ सकता है, तो एक स्कूल सबसे लास्ट वाला आप ऐसा भरिएगा कि वह स्कूल आपको ज़रूर मिल जाए। सेकेंड स्कूल आप ऐसा भर दीजिए कि मध्यम हो, ना एकदम शहरी हो ना एकदम दूर में हो, तो और जो आपको सुलभ हो सकता है। और फर्स्ट स्कूल आप अपने इच्छा से भी भर सकते हैं कि हमें इस स्कूल में जाना है, तो तीन में से एक स्कूल तो आपको मिल ही जाएगा। अब हम आपको लिंक दे रहे हैं और लिंक पर देखने का तरीका, वहाँ पर साथियों हम बता देना चाह रहे हैं, यदि आप हमारे म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाह रहा है तो इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए। इस प्रकार का फॉर्मेट प्राप्त करने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट्स बॉक्स में दे देंगे।
तो साथियों इस प्रकार से आप वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है, विकासखंड भी मैंने कर दिया है, शाला का प्रकार जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो आप जो भी शाला में जाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं चलिए यहाँ पर शाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और 9 to 12 जैसे कि देख रहा हूँ, और साथ में विषय पैनल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें जो कि ट्रांसफ़र जो चाहेंगे वह ग्रेड वन के ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकेगा। अब साथियों जैसे कि यहाँ पर मैं केमिस्ट्री मैंने फिल कर दिया है और डाइस कोड आपको फिल नहीं करना है, यदि आप डाइस कोड फिल करोगे तो यहाँ पर एक ही स्कूल खुलेगा, इसलिए आप यहाँ पर ये कैप्चा फिल कर देंगे तो उस ब्लॉक के समस्त आपको जो स्कूल हैं वह ओपन होकर के आ जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से एक एक करके आप 10 स्कूल चयन कर सकते हैं और उनकी प्रायोरिटी दे सकते हैं, आप प्राथमिकता के आधार पर अपनी स्कूल 10 चयन कर लीजिएगा। अब आगे की प्रोसेस को देखते हैं। अब पोस्ट तो साथियों आगे पूछा गया आप ट्रांसफर का जो कारण है, किस कारण से ट्रांसफर लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफर का जो भी कारण हो तो इनमें से एक या एक से अधिक भी कारण आप चुन सकते हैं, जो भी कारण है आप वहाँ पर चुन सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और 2 MB से अधिक के यह डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट को आपको PDF फॉर्मेट में तैयार करके रखना होगा। और इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट से जो रीजन देना चाहते हो, पति पत्नी है तो वो ट्रांसफर दे सकते हैं, ले सकते हैं। साथ में विकलांग जो है तो विकलांग अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र यहाँ पर 2 MB का फिर करना होगा। और साथ में जो भी और अपने माता पिता से दूर रहते हैं, विवाहित है अविवाहित है, तो ये रीजन भी दे सकते हैं। और